महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई। सरकार बनने के बाद अब शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। इस विवाद के बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से पूर्व मुंबई कमिश्नर सीपी संजय पांडे ने मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के कई मायने हैं, उन मायने को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रौनक, इस खबर के क्या मायने, इन दोनों की मुलाकात के क्या मायने? जी देखिए विकास, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि संजय पांडे से पिछले कई दिनों से सीबीआई जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। कल भी देर रात 10 बजे तक दिल्ली में जो सीबीआई का दफ्तर है वहाँ पर संजय पांडे से पूछताछ हुई है। ये पूछताछ जो है वो एनएससी को लोकेशन मामले में उनकी कंपनी पर आरोप लगे थे। मैं आपको बता दूं कि संजय पांडे ये आईपीएस ऑफिसर है और बीच में उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ समय के लिए आईपीएस से वो बाजू में हुए थे और उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी जिसके जरिए वो अलग अलग तरीके के काम कर रहे थे और उन्होंने जो कंपनी बनाई थी वो एनएससी को लोकेशन स्कैम मामले में उन पर आरोप लगे और इसी मामले में सीबीआई जो है उनसे पूछताछ कर रही है। खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि इस पूरे मामले में ईडी ने भी संजय पांडे को समन्स जारी किया और वो भी उनसे पूछताछ कर सकती है। और इस बीच जब एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए और इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे से वक्त मांगा था और वो उनसे मिलने के लिए महाराष्ट्र सदन में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अब ये दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हो पाई है इसकी डिटेल्स फिलहाल सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन मुख्य तौर पर सीबीआई दफ्तर जाने से पहले वो राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और इसीलिए सभी आश्चर्य व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। जी तो इसका मतलब ये है कि संजय पांडे एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके अपने लिए सीबीआई और ईडी से मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। जी ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार जहाँ यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है और संजय पांडे की जो इमेज रही है वो मुख्य तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ रहने वाले अफसर की रही है और इसीलिए जब वो यहाँ के मुंबई के सीपी हुआ करते थे उनके कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर मुकदमा दर्ज करने का मामला हो या फिर जो सांसद है नवनीत राणा उनकी गिरफ्तारी का मामला हो, ये सब कुछ जो हुआ है वो संजय पांडे के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है और ऐसे में जब से वो पद से हटे उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे से मैं आपको बता दूं विकास जी, उनके व्यक्तिगत अच्छे रिलेशन रहे और इसीलिए शायद वो गुहार लगाने के लिए, इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं आज उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का वक्त मांगा हो और उनकी मुलाकात महाराष्ट्र सदन में हुई है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक कुकड़े आपका। रौनक कुकड़े जानकारी दे रहे थे कि इस मुलाकात के कई मायने हैं, इनमें से क्या मायने सही मायने में होंगे वो समय आने पर सबको पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं शिवसेना के शिंदे गुट की। शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट में शामिल सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शिंदे दिल्ली में है और खबर यह है कि आज पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है शिंदे गुट के जितने सांसद हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये माना जा रहा है कि आज ये शिंदे गुट के तकरीबन 13 सांसद स्पीकर से मुलाकात करके अपने आप को यहाँ नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। राहुल शिवालिक को शिवसेना का नेता बनाने की चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। कल शिवसेना के कुछ सांसद जिसमें विनायक राउत के अलावा 3 अन्य सांसद थे, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से उनके घर पर जाकर चिट्ठी दी थी और ये दावा किया था कि विनायक राउत इस गुट के यानी कि शिवसेना के असली संसदीय दल के नेता हैं। किसी और की मान्यता होने अगर कोई चिट्ठी देता है तो तुरंत उनको सूचना दी जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई वे कर सके। रौनक कुकड़े इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रौनक, किस वक्त होनी है मुलाकात और कब शिवसेना के सांसद राहुल शिवाले के संसदीय दल के नेता होने की चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे?
जी देखिए विकास जी, जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल राहुल शेवाड़े एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के बाद पार्लियामेंट पहुंचे हैं और हो सकता है कि वो वहां पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अपनी चिट्ठी सौंप दे। मैं आपको बता दूं कि कल एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री है, देर रात दिल्ली 11:15 बजे पहुंचे और वो प्राइवेट जो एयरपोर्ट है वहां पर उतरने के बाद सीधे एक पासीतारा होटल में गए थे, जहां पर करीबन 13 शिवसेना के सांसद मौजूद थे। उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद ये रणनीति तय हुई है कि आज ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है उनको चिट्ठी देकर ये दावा पेश किया जाएगा कि जो ग्रुप लीडर है नया शिवसेना का वो राहुल शेवाड़े होंगे। मैं आपको बता दूं कि ग्रुप लीडर चेंज करने के वक्त 51% जो संख्या है यानी कोरम 51% आपके पास होना जरूरी होता है और फिलहाल की अगर मौजूदा स्थिति देखें तो शिवसेना के पास 18 सांसद है, 18 सांसदों में 13 सांसद जो है वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के खेमे के साथ नजर आ रहे हैं। लिहाजा वो ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपना ग्रुप लीडर चेंज कर दिया है और व्हिप भी चेंज कर दिया, जो नया व्हिप होगा वो भावना गवली होंगे। 5 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी है, सीनियर सांसद है शिवसेना की, तो उन्हें व्हिप जो है वो बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर शिवसेना दावा करने की ये एक और स्टेप जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से लिया जा रहा है। जी जी रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा रौनक कुकड़े के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। सरकार बनाने के बाद शिंदे गुट के हौसले बुलंद है, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट का लगातार हमला जारी है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि शिंदे बीजेपी के सीएम है, शिवसेना बाल ठाकरे की है। गंभीर है, पूरा विदर्भ पूरा मराठवाड़ा इतना बाढ़ है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों के घर दार सब सब कुछ बहता है, लोग मर गए हैं, हजार सैकड़ों लोग गए हैं, पूरा विदर्भ हाहाकार है, हाहाकार मचा है, उत्पात मचा है बाढ़ का मराठवाड़ा में। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के यहाँ राजनीति करने आए, सरकार बचाने के लिए आए हैं, इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कहीं जाएंगे, शिवसेना के सांसद तोड़ने के लिए बैठेंगे। अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में नहीं आए, या मंत्रिमंडल बनाने के लिए लिस्ट लेकर के भी दिल्ली में नहीं आए थे, शिवसेना के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो आए, ठीक है, अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है लगभग, लेकिन वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो आने दीजिए, वो आप स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र नेता है, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो शिवसेना के कब्जे की लड़ाई अब दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है। आज दोपहर के बाद जब शिंदे गुट के सांसद चिट्ठी सौंपेंगे तो उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा अध्यक्ष किस गुट को मान्यता असली शिवसेना के तौर पर देते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।